नमस्कार दोस्तों, कोरोना वायरस के दूसरे स्ट्रेन का संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। सरकार ने इसके संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। वहीं आज गुजरात में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने 8 बड़े शहरों में 10 अप्रैल तक स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय बंद कर परीक्षाएं रद्द कर दी है। अहमदाबाद व सूरत में सार्वजनिक बस सेवा, गार्डन, जिम, जू आदि को बंद करके कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य में लॉकडाउन से साफ इनकार किया है, लेकिन राज्य की सीमाओं को सील कर दिया है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने बताया कि राज्य में 1.5 लाख टीकाकरण किया जा रहा है, जिसे 3 लाख प्रतिदिन तक बढ़ाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मामले घटते ही लोगों ने लापरवाही शुरू कर दी है, जिससे अचानक कोरोना फैलने लगा है। वहीं राजस्थान, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमाओं को सील कर दिया गया है। कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही राज्य में प्रवेश दिया जाएगा, साथ ही सीमा पर तापमान माप कर ही प्रवेश दिया जाएगा। अहमदाबाद व सूरत में सार्वजनिक बस सेवा, गार्डन, जिम, जू आदि को आगामी सूचना तक बंद कर दिया है। राज्य में रात्रि कर्फ्यू को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया है। पहले यह रात 12 बजे से 6 बजे तक था। वहीं बाजार और मॉल खुले रहेंगे, लेकिन पुलिस इनकी तथा चाय पानी की दुकानों की निगरानी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री ने बताया कि एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने कोरोना पर काबू पाने के लिए अहमदाबाद, सूरत, राजकोट, वडोदरा, जामनगर, भावनगर, जूनागढ़, वडोदरा आदि महानगरों में 10 अप्रैल तक स्कूल व कॉलेज बंद कर परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, लेकिन राज्य में 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं यथावत ली जाएंगी। इन शहरों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों में पूर्व की भांति ऑनलाइन व ऑफलाइन पढ़ाई होती रहेगी। हाल ही में मुख्यमंत्रियों की पीएम के साथ बैठक के बाद लोगों को संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आवश्यक एहतियात बरतने के निर्देश सख्ती से दिए गए हैं। अब हमें सरकार की गाइडलाइन के लिए नहीं, अपितु खुद को कोरोना वायरस से बचाने के लिए कोविड गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो SSN मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।